हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है एक स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा। ये आलू की स्टफिंग का बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड पकौड़ा है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। संडे के ब्रेकफास्ट के लिए आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग के लिए हमने लिए हैं 3 बड़े आलू, जिसको हमने बॉईल करके ऐसे मैश करके रख लिया है। और इसके साथ ही में हमने लिया है करीब 2 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर, हरा धनिया, 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज और 1 टीस्पून अदरक को हमने घिस लिया है। साथ ही में हमने लिया है 2 कप बेसन। बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चलाते रहेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसको अच्छे से चलाते रहिए, जिससे इसमें फुटकियां ना पड़े। अच्छे से बीट करना है इसको, लगातार इसको बीट करते रहिए जब तक ये स्मूथ सा मिक्सचर ना हो जाए। थोड़ा सा पानी और डाला मैंने, तो ये इस टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अच्छे से इसको आप बीट कर लीजिए और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, जिससे मैदा पानी में अच्छे से फूल जाए। तो ये हमारा बैटर तैयार है। इसमें अब आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल लीजिए करीब करीब। आप हल्का सा कलर के लिए ही होती है ये। 1 टीस्पून अजवाइन, ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसको आप ज़रूर डालें बेसन की चीज़ें बनाते हुए, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इस सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ये हमारा बैटर तैयार हो गया। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको गर्म करके और उसके बाद उसमें 1 टीस्पून जीरा डालिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ करीब 1.5 टीस्पून सूखा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सारे मसालों को हम डालेंगे। 1/2 टीस्पून हमने आमचूर पाउडर डाला है और इन मसालों को हल्के से चला लीजिए। गैस इस समय सिम पे ही होनी चाहिए, जिससे आपके मसाले जले नहीं। अब ये हमने जो आलू मैश करे रखे हुए थे उनको हम डाल देंगे। धनिया, मिर्च, अदरक सब एक साथ डाल देंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से चला लीजिए और मिक्स कर लीजिए और इसको हमें 3-4 मिनट अच्छे से भूनना है। गैस को इस समय सिम से मीडियम पे ही रखिए और एकदम बहुत ही अच्छे से मसालेदार आलू तैयार हो जाएंगे। तो ये 2-3 मिनट हमने इनको अच्छे से भून लिया है और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हमने ये ब्रेड ले ली है, आप चाहे तो कॉर्नर्स निकाल सकते हैं और ये ब्रेड स्लाइसेस पे हम इस स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर आप इसको स्प्रेड करिए, जिससे सब जगह मसाला अच्छे से फैल जाए। कोने कोने तक आप इसको स्प्रेड कर लीजिए, जिससे हर जगह इसका फ्लेवर आपके मुंह में आए। तो इस तरह से हम आलू को स्प्रेड कर लेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो इसको हम 2 तरह से प्रेस कर सकते हैं। आप हाथ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, अच्छे से इसको दबा कर रख लीजिए, बाद में हम इनको काटेंगे। इस तरह से मैं एक बार और आपको दिखा दूँ, बिल्कुल कॉर्नर तक आप बिल्कुल थिन सी लेयर। आपको ज़्यादा आलू पसंद है तो उसमें स्टफिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। या मैं थोड़ी हल्की स्टफिंग कर ली हूँ, क्योंकि ब्रेड पकौड़े नहीं तो बहुत हैवी हो जाते हैं। इस तरह से आप प्रेस कर लीजिए। ये सारे हमने फिल करके रख लिए हैं ब्रेड पकौड़े, तो अच्छे से आप इसको दबा लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है इनका खुलने का डर है, तो मैं आपका दूसरा तरीका बताती हूँ। जो आपका सैंडविच मेकर होता है उसको आप ले लीजिए, उसको गर्म नहीं करना है, बस इसको प्रेस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और एक बार इसको आप ऐसे प्रेस कर देंगे तो उसके बाद इसका खुलने का सवाल ही नहीं है। इस तरह से ये अच्छे से प्रेस हो जाएंगे और जब आप बेसन में लपेट के इसको तेल में डालेंगे तो ये खुलेंगे नहीं और तेल इनके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप इनको प्रेस करके, टोस्टर को हमें गर्म नहीं करना है, बस इसको इस तरह से प्रेस करना है। आप चाहे तो हाथ से प्रेस करिए, चाहे इस टोस्टर से। इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये, फटाफट आप इसको प्रेस करिए और निकाल लीजिए। अच्छे से आलू इसके अंदर चिपक जाते हैं,
तो ये मैं सारे के सारे ब्रेड पकौड़े इसमें अंदर करके प्रेस कर रही हूँ। फिर इनके खुलने का कोई भी डर नहीं होता और एक्सेस ऑयल इसके अंदर आलू जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसका भी एब्जॉर्ब होने का डर नहीं रहता। तो ये सब हमने अच्छे से प्रेस करके रख लिए हैं। अब हम इनको काट लेंगे। आप कैसे भी काट सकते हैं इसको, ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप। आपको बड़ा ब्रेड पकौड़ा रखना है तो इस टाइप से आप बड़े बड़े जैसे बाजार में मिलते हैं उस टाइप से बना लीजिए। पर घर में हम ज़्यादातर छोटी कढ़ाई यूज़ करते हैं, फिर दो ब्रेड पकौड़े तलने में आते हैं और खाने में भी एक पकौड़ा बड़ा सा लगता है, तो इसको हम छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको छोटे पीस में कर रही हूँ। ये हमारे 4 स्क्वायर पीसेस बन गए। इस तरह से आप कोई भी शेप इसका यूज़ कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, अच्छे से ऑयल को गरम करने दें और उसके बाद फिर इसको फ्लेम को धीमी पे कर दें। इसको अच्छे से आप मैदे के जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप कर लें चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के, और उसके बाद गरम तेल में हल्के से डाल दें। इस तरह से आप बैटर में पूरा अच्छे से लिपट जाना चाहिए। अगर जरा सा भी ओपन रह गया तो वहाँ से ऑयल अंदर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पूरा बैटर से कवर कर दें और इसको सिम से मीडियम पे बिल्कुल धीमे धीमे होने दें। तो ये हमारे ब्रेड पकौड़े तल रहे हैं। एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ, इस तरह से आपको चारों तरफ घुमा के इसको कवर करना है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जिससे ऊपर से भी ये जो बेसन है ये थोड़ा थोड़ा सा हो जाए और पलटते समय ये कढ़ाई में चिपके नहीं। इस तरह से आपको हल्के से इसको पलट देना है। तो देखिए लाइट ब्राउन से ये होने लगे हैं। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट से ब्रेड पकौड़े पसंद हैं तो आप इसको एक बार ही तल के इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन सा कर लें और उसके बाद इसको निकाल लें। तो ये हमारे ब्रेड पकौड़े करीब करीब हो गए। साइड में करके इसका ऑयल निकाल के हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद कुरकुरे पसंद हैं तो हमें इसका दूसरा वे भी आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे फर्स्ट तरह के ब्रेड पकौड़े तैयार हो गए हैं। ये बाकी ब्रेड पकौड़े भी मैंने तल के रख लिए हैं, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करा है क्योंकि मुझे ये थोड़े से क्रिस्पी बनाने हैं। क्रिस्पी के लिए इनको हाफ तल के आप निकाल लीजिए और एक बार दोबारा इनको डाल के आप फ्राई करिए। इस तरह से आपके ब्रेड पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े खाने हैं तो इसको आप डबल फ्राई करिए, नहीं तो आप इसको एक बार में फ्राई करके भी बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं तो फटाफट आप एक बार फ्राई करके उनको निकाल के रख लीजिए, और उसके बाद जब वो आ जाते हैं तो गर्मा गर्म इनको कुरकुरे करके बनाकर खिलाइए। तो ये हमारे ब्रेड पकौड़े कुरकुरे से हो गए हैं। सिम से मीडियम पर ही करिए, तेज पे मत करिएगा बिल्कुल भी। टेस्टी से हमारे स्टफ्ड ब्रेड पकौड़े एकदम तैयार हैं। तो ये हमारे ब्रेड पकौड़े चटनी और सॉस के साथ।